हेलो माय डियर चिल्ड्रन, अभी मैं आपको कोई एक्शंस बोलूंगी और आपको वो एक्शंस करके दिखाने हैं. डांस, वॉक, जंप, रन. अरे रुको रुको, रन करके बाहर मत चले जाना. तो जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो आपकी मूवमेंट होती है. आप अपने हाथ, पांव और अपनी बॉडी को मूव करते हो, इसे मूवमेंट कहते हैं, राइट? सो इसी मूवमेंट के ऊपर आज की हमारे पोम है, जिसका नाम है हाउ क्रीचर्स मूव. हाउ क्रीचर्स मूव. सो लाइक ऑलवेज, फर्स्ट वी विल रीड द पोम अलाउड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच लाइन. Let's start the poem. How creatures move. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb. While flies can walk straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm, he wiggles all around. The monkeys swing by his tail. And birds may hop on the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. The lions walk on padded paws. Padded paws means gaddidar panje. शेर अपने गद्दीदार पंजों पर चलता है. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. लीप का मतलब छलांग लगाना और लिम्ब टू लिम्ब का मतलब है पांव से पांव तक. जो गिलहरी है वो एक पांव से दूसरे पांव तक छलांग लगाते हुए चलती है. व्हाइल फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल. फ्लाइज यानी मक्खी. क्रॉल का मतलब रेंगना या धीरे धीरे चलना. मक्खी जो है वो दीवार पर रेंग रेंग कर चल सकती है. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. सील्स मतलब सील या सी लायन, समुद्री शेर बोलते हैं इसको. आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितनी भारी भरकम होती है, लेकिन इसके बावजूद यह समुद्र में गोता भी लगा सकती है और तैर भी सकती है. The worm he wiggles all around. Worm का मतलब केंचुआ. Wiggle का मतलब लचक के साथ हिलना डुलना, हिल डुल कर चलना. केंचुआ लचक के साथ हिल डुल कर चलता है. The monkey swings by his tail. Swing का मतलब झूलना. आपने देखा होगा जू में या पेड़ों पर मंकी जो है अपनी पूंछ के सहारे से लटक जाता है और झूलता है. The monkey swings by his tail. Monkey अपने पूंछ के सहारे से झूलता है. कितना मजा आता होगा ना उसे. And birds may hop upon the ground. Birds जब जमीन पर चलती हैं, तो वो फुदक फुदक कर चलती हैं. Hop का मतलब फुदकना. And birds may hop upon the ground. चिड़िया जमीन पर फुदक कर चल सकती हैं. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. या फिर चिड़िया अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ सकती हैं, यानी आसमान की यात्रा कर सकती हैं. बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. लेकिन लड़के और लड़कियां और भी ज्यादा मजे करते हैं. कैसे? दे लीप एंड डांस. लीप का मतलब छलांग लगाना, डांस का मतलब नाचना. तो वो छलांग लगा सकते हैं, वो नाच सकते हैं. एंड वॉक एंड रन. और वो चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं. एक दूसरे को पकड़ने के लिए आप एक दूसरे के पीछे दौड़ते हो ना. सो मच फन. ब्यूटिफुल पोम. नाउ लेट्स डू अ फ्यू एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द पोम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, underline the action words in the poem. Underline का मतलब नीचे लाइन लगानी है. तो पोएम देखते जाएंगे लाइन बाय लाइन और फिर एक्शन वर्ड्स को हम
अंडरलाइन करेंगे एक्शन वर्ड्स जिसमें कोई हिल डुल रहा है या कोई मूवमेंट हो रही है. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, वॉक्स चलना. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, लीप्स उछलना. व्हाइल फ्लाइज कैन वॉक स्ट्रेट अप अ वॉल, वॉक चलना. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, डाइव गोता लगाना और स्विम तैरना. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, विगल्स मतलब लचक लचक कर चलना. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, स्विंग्स का मतलब झूलना. एंड बर्ड्स मे हॉप अपॉन द ग्राउंड, हॉप फुदकना. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, स्प्रेड का मतलब फैलाना, सेल का मतलब उड़ना. बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, हैव फन का मतलब मजे करना. दे लीप एंड डांस, लीप का मतलब कूदना, डांस का मतलब नाचना. एंड वॉक एंड रन, वॉक चलना, रन दौड़ना. तो ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें कोई मूवमेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव सम वर्ड्स जिनमें कुछ लेटर्स जो हैं वो साइलेंट है, साइलेंट यानी जिसकी आवाज नहीं आती. जैसे वॉक, वॉक, उसमें एल की साउंड ल आ रही है क्या? वॉल्क, नो, एल की साउंड नहीं आ रही है. तो वॉक में एल इज साइलेंट. स्ट्रेट, यहाँ जी एच घ की साउंड नहीं आ रही है. मोर, मो, मो और ई, ई इज द साइलेंट लेटर क्योंकि ई की साउंड अलग से नहीं आ रही है मोर में. कॉट, क ओ ट, जी एच की साउंड घ की साउंड नहीं आ रही है तो जी एच साइलेंट लेटर्स है. खाम, क आ म, एल, एल की साउंड नहीं आ रही. देखो काल्म नहीं बोलते हैं, काम बोलते हैं, सी ए एल एम, काम. तो एल इज अ साइलेंट लेटर. टॉक, ट अ ल क, टॉक, लेकिन ल की साउंड नहीं आ रही है, टॉल्क नहीं है तो एल इज द साइलेंट लेटर. तो हमने कुछ वर्ड्स देखे जिसमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, उनकी साउंड नहीं बोली जाती. आप कभी कभी मम्मी को बोलते होगे कि मैं बोर हो गया, क्या करूँ. बोर का मतलब जब आपके पास कुछ मज़ेदार करने के लिए ना हो, है ना. तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं जिसमें कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं. फर्स्ट इज लक्ष्मा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन ही गेट्स बोर्ड. सिंग्स अ सॉन्ग, लक्ष्मा एक गाना गाता है जब वो बोर होता है तब. गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स, टॉक्स मतलब बातें करना, गोपाल अपने दोस्तों से बातें करता है. रत्नाकर रीड्स अ बुक, रत्नाकर जब बोर होता है तब वह किताब पढ़ता है. अंजया राइट्स अ स्टोरी, अंजया स्टोरी लिखती है जब वो बोर होती है. लीलाम्मा गोज फॉर अ वॉक, लीलाम्मा सैर करने चली जाती है जब वो बोर होती है. प्रभाकर गोज टू स्लीप, प्रभाकर तो सो ही जाता है जब वो बोर हो जाता है. क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट बोर्ड. अब आपको बताना है, आपस में अपनी क्लास में डिस्कस करना है, अपने दोस्तों के साथ और अपनी टीचर के साथ कि आप क्या करते हो जब आप बोर्ड होते हो. व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट बोर्ड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, do something when you get bored.